कल तक जो उद्धव के शिवसेना में थे, आज वो बागी नेता एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे माहौल में कौन अपना और कौन पराया, ये जानना शिवसेना और शिवसैनिकों के लिए काफी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते देवरोड शहर शिवसेना के द्वारा उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर एक नया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिव सैनिकों ने एफिडेविट बनाते हुए लिखा है कि वो कभी भी पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे, चाहे वक्त कैसा भी आए। फिलहाल तो इस अभियान में कम शिव सैनिक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस अभियान के द्वारा शहर के हर एक घर तक पहुंचकर हर एक शिव सैनिक कार्यकर्ता से उसकी सहमति के अनुसार ही इस तरह के एफिडेविट बनाकर उन्हें उद्धव के पास भेजे जाएंगे, ऐसा भी इन शिव सैनिकों ने बताया है। शहर शिवसेना की तरफ से यहाँ के जो पुराने हमारे सब शिवसैनिक है, यहाँ बहुत पहले सबसे पहले यहाँ पर शिवसेना स्थापन की हुई थी। संभाजीराव आवळे आणि त्यांचे उनके सब साथीदार यहाँ पर है और उनकी वजह से सब शिवसेना का यहाँ पर विस्तार हुआ। और एक भी शिवसेना कार्यकर्ता महिला या पुरुष कोई भी यहाँ से फुटीरवाद के पीछे गए नहीं है और सब हम एक साथ साहब की जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और हमारे माजी शहर प्रमुख शिवसेना शहर प्रमुख रमेश जी जाधव, इनका भी बर्थडे है, हम साहब के साथ में उनका भी बर्थडे मना रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग मना रहे हैं कि हम लोग कोई भी नहीं। तो इसलिए एफिडेविट बनाया है कि हम हमेशा के लिए बहुत पूरी निष्ठा से उद्धव साहब के पीछे है और शिवसेना के पीछे है। जो बाला साहब ने स्थापित की हुई है ये शिवसेना हमारे मतलब हृदय में स्थापन है और हमारे एक एक बूंद, हमारे खून का एक एक कतरा जो कहता है वो भगवा है और शिवसेना के बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते। और उद्धव साहब को हम यही बताना चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हम आपके पीछे हैं। उद्धव साहबांचे आदेशाने आम्ही हे करतोय। उद्धव साहेबांनी हे सांगितलं की आम्हाला फूल गुच्छे नाही पाहिजे, सगळ्यांची पत्रक पाहिजे, म्हणून आम्ही पत्रक दिले, 100 पत्रक आम्ही जमा करून देणार आहे। 1000 सभासद नोंदणी आम्ही उद्धव साहेबांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने आप भेट देणार आहे। आम्ही देवरोड शेडच्या वतीने आत्ता त्यांनी बंडखोर तर केली आहे, पण आजपर्यंत 25 वर्षामध्ये जे खासदार झाले सगळे शिवसेनेच्या नावाने खाली झालेले आहे। हा आता म्हणतो 70% मतदान भाजपचे भेटते, 30% मतदान शिवसेनेचं आहे। आता असेल तर राजीनामा द्यावं माणसांनी आणि इलेक्शनला समोर जावं, तर 30% पडते का 70% मतदान पडते ते आम्हाला सगळ्यांना बघायचं आहे। असे किती आले आणि किती गेले आम्हाला शिवसेनेला काही फरक पडत नाही। हां, सगळं देवरोडशी जेवढी कार्यकर्ते आहे आजी माझी सगळे ते शिवसेनेचा उद्धव साहेबांचा पाठीची आहे आणि सगळ्यांनी अपडेट केलेले आहे आणि सगळ्यांची अपडेट आम्ही लवकरात लवकर सेना भवनमध्ये आम्ही देऊन येणार आहे।